और ये तो लोकसभा इलेक्शन एक हवा बनाने पर है, जो किस तरफ तो एनडीए या इंडिया गठबंधन के पक्ष में दो धड़ा में बट जाती। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। धनबाद लोकसभा सीट के समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ एमसीसी के अरूप चटर्जी जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं निरसा के। हम उसे समझेंगे कि जो एके राय की विरासत वाली ये सीट है धनबाद, उसमें एक तो लेफ्ट कहाँ पीछे छूट रहा है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मौजूदा समीकरण किसके पक्ष में आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, मासस की जो बेस है कॉमरेड ए के राय के समय, वो मजदूर आंदोलन में बहुत आगे थे। बिहार को लिए कामगार यूनियन सबसे अग्रिम भूमिका पूरी इलाके में निभाते थे, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में लोग कॉमरेड ए के राय को अपना मानते थे। तो उसी हिसाब से मासस की एक पैठ ग्रामीण इलाका में और कोलियरी क्षेत्र में आज भी है, लेकिन मजदूर आंदोलन घटने के कारण, आउटसोर्सिंग आने के कारण, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण ढेर सारे जगह पर आंदोलन जो है वो कम हो गई है। मजदूर जो एक समय कम से कम BCCL और ECL मिला के 50 से 60 हज़ार थे, वो घट के आज के दिन 40% हो गई है। 30% मजदूर ही बचे हुए हैं, जो लोग भी उम्र दराज हैं। तो जिसके कारण जो लोग आंदोलन के नेतृत्व करते थे उस समय, खास करके यूपी साइड के जो मजदूर हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा रहते थे और आंदोलन का नेतृत्व भी करते थे, बहुत लड़ाकू तेवर के रहते थे। उड़िया उड़ीसा से ढेर सारे मजदूर रहते थे, तो वो लोग आज के दिन रिटायरमेंट होके सब लोग चले गए, जिसके कारण मजदूर आंदोलन में काफ़ी घटती हुई। तो अभी का जो मौजूदा समीकरण है, जो साफ साफ दिखता है कि राजनीति दो धड़े में बट गई है, एक जो बीजेपी के पक्ष में है और एक एंटी बीजेपी के पक्ष में है, उसमें मासस अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, 2014 की लोकसभा इलेक्शन को अगर देखेंगे तो उस समय भी कांग्रेस की प्रत्याशी एक तरफ थे और एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी थे। हम लोग मासस यहाँ पर थर्ड आई थी, मतलब तीसरे स्थान पर हम लोग थे। अगर माइनॉरिटी वोट को माइनस कर दें, को कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस की जो वोटर्स है, हम समझते हैं जो हम लोगों से काफ़ी कम है। और ये तो लोकसभा इलेक्शन एक हवा बनाने पर है, जो किस तरफ तो एनडीए या इंडिया गठबंधन के पक्ष में दो धड़ा में बट जाती, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों की एक अपनी बेस है, अगर मासस को हम समझते हैं जो इंडिया गठबंधन समर्थन करती, तो ये हम लोग एक विनिंग सीट के तौर पर लोग देखते हैं। आप बहुत दिलचस्प समीकरण बता रहे हैं। आपका कहना है कि एक बेस है एमसीसी के पास, और इसमें अगर अल्पसंख्यक वोट को जोड़ दें, अगर मतलब अल्पसंख्यकों को ये लगे कि एमसीसी जीत सकती है और वो एक साथ आपके साथ जुड़ जाए, तो आप ये सीट निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोगों के बहुत ख़राब परिस्थिति में भी 1.5 लाख वोट आती है, तो 1.5 लाख के साथ अगर माइनॉरिटी वोट को 3.5 लाख करीब माइनॉरिटी वोटिंग होती है, तो वो अगर जोड़ देते हैं, और जो एंटी बीजेपी वोट्स है आज के दिन, एक आप भी देखे होंगे जो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद एक बड़ा धड़ा जो है बीजेपी के खिलाफ खड़ी है, जो जिसमें बिजनेस क्लास है, जिसमें ढेर सारे आउटसाइडर्स मजदूर लोग हैं, ढेर सारे लोकल लोगों को भी एक डर का माहौल बनी हुई है। तो ये धड़ा अगर ऐड कर दे तो ये स्वाभाविक बात है, जो ये वोट 8 लाख से क्रॉस करके चली जाएगी। तो हम समझते हैं जो ये एक अच्छी समीकरण होती, इंडिया गठबंधन अलग से लड़ना एवं हम लोगों का अलग से लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर करती है। तो अब अभी इस समय जबकि धनबाद में इस बात की चर्चा चल रही है कि किससे कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, उसमें ऊहापोह की स्थिति है महागठबंधन में, या हम कहें इंडिया अलायंस में। वहाँ एक समीकरण ये भी है कि अगर एमसीसी अपना कैंडिडेट दे दे
और कांग्रेस या महागठबंधन या इंडिया अलायंस के लोग उसको समर्थन दे दें तो एक एमसीसी यहाँ पर बहुत मजबूती से लड़कर चुनाव जीत सकती है, अरविंद चटर्जी जी का ऐसा मानना है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, आपको लगता है कि अगर बंटकर लड़े तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? नहीं, स्वाभाविक बात है, अगर बंटकर लड़ने से बीजेपी को एक फायदा मिलेगी, लेकिन फिर भी हम समझते हैं जो धनबाद की परिस्थिति इस बार थोड़ी अलग है। लोग वेट कर रहे हैं जो कांग्रेस किसको कैंडिडेट करेगी, और कांग्रेस के कैंडिडेट आने के बाद ही यहाँ आगे भी त्रिकोणीय संघर्ष रही है। हम समझते हैं जो इस बार भी एक त्रिकोणीय संघर्ष रहेगी, तो कांग्रेस के कैंडिडेट आने के बाद एक समीकरण की समझ में आएगी जो किस तरीके से वोटर्स बढ़ रहे। और हम समझते हैं जो हम लोग भी अगर रेस पकड़ सके उस और कांग्रेस अपनी कोई कमज़ोर कैंडिडेट या उस टाइप के कैंडिडेट जो पब्लिक में एक्सेप्टेबल ना हो ऐसा कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करते, तो हम समझते हैं जो हम लोग आराम से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आ सकते। क्या आपको इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर लास्ट मोमेंट में किया जा सकता है कि आप अपना कैंडिडेट ना दें और उनको छोड़ दें ताकि वो जीत सकें? ऐसी स्थिति में आप उनका इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी तो वो परिस्थिति नहीं है। हम समझते हैं जो ये मास्टर्स की सीट है धनबाद लोकसभा सीट, हम लोग हमेशा से, अगले बार लोकसभा में हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन किया था और डॉक्टर अजय और आरपी सिंह के कहने पर बाद में विधानसभा इलेक्शन में भी जो उन लोगों को समर्थन करने की बात थी वो नहीं हुई। और हम लोगों ने कांग्रेस को जो समर्थन किया था इसमें हम लोगों को पॉलिटिकल लॉस भी हुई, जिसका रिजल्ट रहा है जो हम लोग हार गए। तो हम लोग इस बार इसलिए तय किए जो हम लोग अपनी पॉलिटिकल मास बेस को बचाने के लिए हम लोग अपनी कैंडिडेट देंगे और मास्टर्स अलग से इस चुनाव को लड़ेगी। अगर इंडिया गठबंधन हम लोगों को साथ देती है, हम समझते हैं जो एक अच्छी परिणति। तो धनबाद सीट पर यह है तीसरा कोण जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आंकड़ों में आप समझेंगे तो इसमें भी विनेबिलिटी है, मतलब जीत की संभावना दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अरविंद चटर्जी।